नॉन रिब्रीदर मास्क, ठीक है, आप इस तरह से देखिए ध्यान से, इसमें एक बैग टाइप का लगा हुआ है, इसको कहते हैं रिजर्वर बैग, और इसमें एक यहाँ दूसरा और यहाँ अंदर की तरफ तीसरा, तीन फ्लैप्स लगे होते हैं। इस फ्लैप का क्या यूज़ है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको लगाने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। इसको लगाने से पहले ये जो बैग है ना आपका रिजर्वर बैग, इसका इसकी कंडीशन है, इस कंडीशन क्या है, पहले इसको एटलीस्ट 2/3 तक ऑक्सीजन से फिल करना होता है। अब ऑक्सीजन से फिल कैसे करेंगे, ये जो इसका पोर्ट है ऑक्सीजन का, इसको ऑक्सीजन फ्लो मीटर पे लगाएंगे और 15 लीटर पे इसको चलाएंगे। चलाने इसको पेशेंट को फेस पे लगाने से पहले ये आपका 2/3 फिल होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ। जब ये भर जाएगा तो इसको हम पेशेंट के फेस पर जिस तरह से सिंपल फेस मास्क लगाते हैं ना, उसी तरीके से इसको लगाना है, ठीक है। अब रही बात लगाने की, अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्लैप्स बताए थे, उस फ्लैप्स का यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको टोटल 3 फ्लैप्स गिनवाए थे, जिसमें से एक बाहर का, दूसरा बाहर का, दो बाहर के और एक अंदर का। अब इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ ये है कि जब ये पेशेंट के फेस पर लगा होता है मास्क, ठीक है, जब पेशेंट इनहेल करता है ऑक्सीजन अंदर से, इसके बैग के अंदर से ऑक्सीजन इनहेल करेगा, तब पेशेंट का जो इनर फ्लैप्स है ना वो तो हो जाएगा ओपन, है ना, बाहर वाले फ्लैप्स हो जाएंगे बंद, इनर फ्लैप्स हो जाएगा ओपन और बाहर वाले दोनों फ्लैप्स जो है वो हो जाएंगे क्लोज। और जब पेशेंट एक्सहेल करेगा, जब पेशेंट CO2 निकालेगा, छोड़ेगा, तब क्या होगा, इनर वाला फ्लैप्स जो है ये हो जाएगा बंद और बाहर वाले दोनों फ्लैप्स हो जाएंगे ओपन, यानी कि प्योर ऑक्सीजन पेशेंट को इससे मिलेगी और CO2 इजीली आउट हो जाएगी इस दो आउटर फ्लैप्स के थ्रू, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट, सॉरी इसमें मैं बताना भूल गया आपको, इसको एटलीस्ट 15 लीटर पर आपको इसको सेट करना है और इसमें डिलीवर होगी पेशेंट को 60-80%। जी हाँ दोस्तों, 15 लीटर पर मिनट पे चलाने पे इसको, इसका जो कंसंट्रेशन, जिसका जो परसेंटेज है, वो पेशेंट को डिलीवर होगा 60% से लेकर 80% तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।